वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम शाहिद अली, योर एम डी कैट बायोलॉजी टीचर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेल बायोलॉजी पार्ट वन लेक्चर नंबर 3। तो इसके अंदर हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। सेल बायोलॉजी पार्ट वन लेक्चर नंबर 3 के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स and also we will outline the structure and function of cytoplasm, cell wall, endoplasmic reticulum, ribosome and Golgi apparatus. तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। आगाज़ करते हैं अगली स्लाइड से। यहाँ सबसे पहले सेल वॉल का तज़किरा आता है। इट इज़ प्रेजेंट आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रेजेंट अक्रेंस की बात की जाए तो ये प्लांट सेल्स के यहाँ, एल्गल सेल्स, फंगल सेल्स, इसी तरह बैक्टीरियल सेल, माना कि कंपोजिशन डिफर करेगी लेकिन बहरहाल हम यहाँ प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। एनिमल एंड प्रोटोजोअल सेल्स लैक दिस। देन अहम चीज़ है कि इट इज़ परमिएबल टू ऑल सब्सटेंसेस। नॉन लिविंग होती है इटसेल्फ, सेक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म, यानी कि लिविंग मैटर जो है इसका, लिविंग मैटर ऑफ सेल, ये इसे ये इसे सेक्रेट किया करता है, इसे बनवाया करता है। इसकी थिकनेस भी डिफरेंट सेल्स के यहाँ वेरी करती है। जैसे जाइलम सेल्स के यहाँ इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, जबकि बाकी सेल्स के यहाँ इसकी थिकनेस ज़रा कम होती है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कॉम्पोजिशन के बारे में बताया गया है यहाँ डिफरेंट सेल्स के अंदर। तो यहाँ मेनली सेलुलोज है अलॉन्ग विद हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। एल्गल सेल्स के यहाँ ये मेनली सेलुलोज, लेकिन ये यहाँ ना काइटिन भी होता है, जैसे कि क्लोरेला है ना, यूनिसेलुलर एल्जी, तो उसके अंदर काइटिन भी होगा। फंगल सेल्स के यहाँ मेजरली काइटिन है। देन बैक्टीरियल सेल्स, इनके यहाँ ये पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरिन से बनी होती है। और इसी तरह आर्ची बैक्टीरियल सेल्स के यहाँ ये टोटली तौर पे डिफरेंट है, प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं एंड पॉलीसेक्राइड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन का सिलसिला आ गया प्लांट सेल वॉल, डिफरेंट सेल वॉल्स की। फिर आगे प्लांट सेल वॉल जो है इसके यहाँ, इसकी जो मेजर लेयर्स हैं, तो मेजर लेयर्स और उनकी कॉम्पोजिशन के बारे में बात की जाए तो मिडल लैमेला, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल्स। प्राइमरी वॉल इनर टू द मिडल लैमेला और सेकेंडरी वॉल इसकी भी अंदर वाली साइड पर मौजूद होती है। आगे मिडल लैमेला जो है इसका काम ये होल्ड करना है एडजेसेंट सेल्स को, गम के तौर पे काम करती है, बेजल लैमिना के तौर पे काम करती है। जबकि प्राइमरी वॉल जो है डेट इज़ द ट्रू वॉल, लाजमी तौर पे मौजूद होगी सेल के अंदर, जो इसकी अपनी जेन्युइन वॉल होती है वो प्राइमरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल प्रोवाइड स्ट्रेंथ और किसी किसी सेल के यहाँ ये मौजूद होगी। मिडल लैमेला थिन है, प्राइमरी वॉल ये इसकी थिकनेस ज़रा बेहतर होती है, इससे ज़रा ज़्यादा होती है लेकिन थिन है, जबकि सेकेंडरी वॉल हमेशा थिक होती है, मजबूत मोटी हुआ करती है। देन आगे मिडल लैमेला, इसके अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, पैक्टिन वगैरह, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट और पैक्टिक एसिड्स और पैक्टिक सब्सटेंसेस होते हैं। जबकि प्राइमरी वॉल इसके अंदर मेजरली सेलुलोज है, पैक्टिन है और हैमी सेलुलोज, जबकि सेकेंडरी वॉल इसमें सेलुलोज, हैमी सेलुलोज और उसके साथ साथ लिग्निन, वैक्सेस एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह पाए जाते हैं इसमें। अच्छा, अब मिडल लैमेला डिवेलप बिटवीन डिवाइडिंग सेल्स। सबसे पहले जो सेल दो डिवाइड कर रहे होते हैं उनके दरमियान जो फ्रैगमोप्लास्ट से बनने वाली जो लेयर होती है उसे हम मिडल लैमेला कहते हैं। प्राइमरी वॉल डिवेलप इन द ग्रोइंग सेल्स और जो मैच्योर सेल्स होते हैं उनके यहाँ हमें ये सेकेंडरी वॉल देखने को मिलती है। देन आगे नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ एक चीज़ और बयान की गई है कि ये जो पैक्टिन है, इस पैक्टिन जो कि यहाँ हमने पढ़ा प्राइमरी वॉल के अंदर भी और उसके साथ साथ यहाँ मिडल लैमेला में भी, तो ये 200 गैलेक्ट्रॉनिक एसिड मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, लेस हाइड्रोफिलिक देन पैक्टिक एसिड। पैक्टिक एसिड और इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ 100 इलेक्ट्रॉनिक एसिड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वेरी हाइड्रोफिलिक, फॉर्म सॉल्ट्स विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट बनता है इससे, जो कि मिडल लैमेला और प्राइमरी वॉल के अंदर पाए जाते हैं।
देन ये एक क्रिस क्रॉस मैनर सेलुलोज फाइबर्स का दिखाया गया यहाँ पर। यहाँ ये एक एनालिसिस दिया गया कि ये जो दो एडजेसेंट सेल्स हैं, इन दो एडजेसेंट सेल्स के, हाँ यहाँ ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2, तो ये इनकी ना अपनी प्राइमरी वॉल है, ये हर सेल की, ये इसकी अपनी प्राइमरी वॉल है, ये दरमियान में मिडल लैमेला है। एंड आफ्टर डैट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सेकेंडरी वॉल है, ये वाली जो है ना हर सेल की अपनी अपनी सेकेंडरी वॉल है। ये एक एनालिसिस यहाँ पे, एक जनरल सा एनालिसिस जो है वो दिया गया। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है फ्लूइड लाइक सेमी विस्कस मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। इसका जो सोल्युबल पार्ट है उसे हम साइटोसोल कहते हैं, जिसमें 90% तक वाटर पाया जाता है। तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर लाइफ की तमाम बेसिक रिक्वायरमेंट्स मौजूद होती हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हैं, ट्रू सोल्यूशन भी है, कोलाइडल सोल्यूशन भी है, सस्पेंशंस भी हैं। ये सम लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोलाइडल सोल्यूशन बनाया करते हैं यहाँ पर। तो पेरिफेरल पार्ट जो है उसके बारे में यहाँ बयान की गया, पेरिफेरल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप की जानब होता है, ये मोर विस्कस होगा और जेल होगा। इनर पोर्शन जो सेंट्रल पोर्शन है ये लेस विस्कस होता है और इसे हम सोल कहते हैं। तो सोल टू जेल, जेल टू सोल इंटर कन्वर्जन भी जारी रहती है। ये स्टोर हाउस है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए भी, ये साइट है बेसिकली, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है, बहुत सारे ऑर्गेनाइलीज इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये जो जो है ना मूवमेंट होती है सोल टू जेल, जेल टू सोल, इस मूवमेंट को हम साइकोलोसिस कहते हैं, या अमीबॉइड मूवमेंट्स कहते हैं, या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं, या इसे हम एक्टिव मैस फ्लो भी कहते हैं, जिसके दौरान बहुत सारा मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करता है, इसलिए हम इसे साइकोलोसिस, इसलिए हम इसे एक्टिव मैस मूवमेंट जो है ना वो भी नाम देते हैं। तो साइकोलोसिस कह लें, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कह लें, अमीबॉइड मूवमेंट कह लें, या हम इसे एक्टिव मैस मूवमेंट, ये सारे नाम हमारे सिलेबस के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। देन यहाँ एक छोटी सी बात कि ये जो लिविंग मैटर होता है इसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। लिविंग मैटर, मादा हयात, प्रोटोप्लास्ट, तीन चीज़ें हैं इसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इन दोनों को मिलाकर, न्यूक्लियस और यहाँ साइटोप्लाज्म, इसको मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और इनके बाहर जो है ना कवरिंग मिलाकर ये प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा। और ऑर्गेनेल्स हैं इसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड तीन हैं, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है और न्यूक्लियस, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। अब यही बात यहाँ पे बयान की गई, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। आगे राइबोसोम की जानिब चलते हैं। राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रेन्यूलर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। वजह कि ये नॉन मेम्ब्रेन है, और दूसरी वजह प्रोटीन सिंथेसिस इसका काम होता है, तो जिसकी वजह से ये दोनों सेल्स में होंगे, और प्रोटीन आप जानते हैं कि 50% ऑफ ड्राइवेट ऑफ सेल होता है। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मज़ीद आगे देखते हैं कॉम्पोजिशन। तो इसकी कॉम्पोजिशन के अंदर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, इसी वजह से तो हम इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। तो आलमोस्ट इक्वल अमाउंट एक जगह पे ये लिखा है, और एक जगह इसकी बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दे दिए गए कि 40-50% राइबोसोमल आरएनए है, 50-60% इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। देन आगे अक्रेंस, सेल के अंदर फ्रीली डिस्पर्स्ड भी होते हैं, या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी होते हैं। देन आगे स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स, यूकैरियोटिक सेल में 60S और 40S। ये एस बेसिकली रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है, नीचे बैठने की रफ्तार, जो भारी चीज़ होगी जल्दी बैठेगी उसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी ज़्यादा आएगा, जो हल्की चीज़ होगी देर से बैठेगी इसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी स्लो होगा। जैसे आप पानी के अंदर रेत और मिट्टी भर लें, मिट्टी जल्दी बैठेगी, मिट्टी देर से बैठेगी, जबकि रेत जो है ना भारी होने की वजह से जल्दी बैठेगी। कंकर भर लें इसके अंदर
तो वो और ज़्यादा जल्दी बैठेंगे, उनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन और ज़्यादा होगा। तो इसलिए मिलाकर ये ATS, ये कोई अल्जेब्रिक सम नहीं है कि 60 + 40 इज इक्वल टू 100, ये ऐसी बात नहीं है। प्रोकैरियोट्स में ये छोटे साइज का है जो कि 70S है। दोनों सब यूनिट्स अलहदा अलहदा होते हैं, सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस पे ये ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम, ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम सॉरी मैसेंजर RNA, वहाँ पे ये इकट्ठे होते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीशियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस की मदद से। अच्छा जी, देन आगे राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू मैसेंजर RNA थ्रू द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। दोनों में से पहले जुड़ता है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, और बाद में ये आप ट्रांसलेशन के टॉपिक में भी ये बात पढ़ते हैं पहले स्टेप पे कि पहले जो है ना वो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट जुड़ता है, बाद में लार्ज। अब यहाँ कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स ऑन मैसेंजर RNA इज कॉल्ड पॉलीसोम और पॉली राइबोसोम। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सर्फेस ऑफ RER, इसे हम कहते हैं ऑर्गेस्टोप्लाज्म, और न्यूरॉन के अंदर इसे हम निसल ग्रेन्यूल कहेंगे। ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है और ये बजाते खुद तैयार होता है एट न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री भी कहा करते हैं। ये कुछ राइबोसोम के बारे में, यहाँ देखिएगा ये एक पॉलीसोम बना के दिखाया गया। इस पॉलीसोम पे मैसेंजर RNA पे बहुत सारे राइबोसोम आकर अटैच हो रहे हैं और क्विकली प्रोटीन सिंथेसिस को प्रोसीड किया जा रहा है। देन आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, या एक तो ये आ गया। देन दीज चैनल्स आर इंटरकनेक्टेड, ये चैनल्स जो है ना आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, जुड़ी होती हैं एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। अच्छा जी, इनकी अपेयरेंस वेरी वाइडली, अपेयरेंस इनकी बड़ी वेरी किया करती है, अपेयरेंस के अंदर ये बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। अच्छा जी, देन इसकी हर एक मेम्ब्रेन जो एक इलांगेटेड सैक बनेगी ना, उस इलांगेटेड सैक को हम नाम देते हैं सिस्टर्नी, और इसका सिंगुलर जो है ना वो सिस्टर्ना हो जाएगा, सारी मिलाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। अच्छा जी, यहाँ मज़ीद बात की गई कि फॉर्म्स, टू फॉर्म्स आर देयर, वन इज़ बीइंग स्मूथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, अदर इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। अच्छा जी, इसके बाद स्केलेटल सेल्स हैव मोर SER, जबकि बाकी सेल्स में तकरीबन सेम कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो पाई जाती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ को हम मसल सेल में ये कहते हैं, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम एर्गेस्टोप्लाज्म भी कहते हैं, या न्यूरॉन के अंदर हम इसी को निसल्स ग्रैन्यूल भी कहा करते हैं। देन आगे फंक्शंस ऑफ द RER, प्रोटीन सिंथेसिस, और ज़ाहिर बात है यही प्रोटीन मेम्ब्रेन्स बनवाने में भी इस्तेमाल होती हैं, तो ये मेम्ब्रेन सिंथेसिस में भी इस्तेमाल होते हैं। देन आगे फंक्शंस ऑफ द SER, मेटाबॉलिज्म ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्पेशली द लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो लिपिड्स जनरली लिखा गया है, लेकिन अदर बुक्स के हाँ इसको कार्बोहाइड्रेट, अदर जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके हाँ इसको कार्बोहाइड्रेट्स को भी ऐड किया गया है, जैसे KPK की बुक है उसके अंदर। तो हेल्प टू डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स लाइक पॉइजन्स इन द लिवर सेल्स। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इंक्लूडिंग ऑयल फॉस्फोलिपिड एंड स्टीरोल्स, ये सारा कुछ भी लिपिड लिवर में होता है। स्टोर कैल्शियम आयंस, तभी तो हम इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं मसल सेल्स के अंदर। SER रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन द मसल सेल्स स्पेशली, और उसके साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जो भी चीज़ तैयार होगी वो लाजमी तौर पे पहले यहाँ पे आएगी, जहाँ भी तैयार हुई, खा वो उसमें RER पे तैयार हुई प्रोटीन, या ग्लूकोज तैयार हुआ ऑन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जहाँ भी तैयार हुआ आएगा वो यहीं पर, यहाँ से होकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, और उसके बाद इसे सेल से एलिमिनेट किया जाएगा। देन शेप को मेंटेन करने में भी इसका अहम किरदार है सेल की। ये इसका डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन दिया गया। देन आगे गोल्जी ऑपरेटर्स, डिस्कवरी है 1898 बाय द कैमिलो गोल्जी, पाया जाता है तकरीबन सभी के सभी यूकैरियोटिक सेल्स के, हाँ ये पाया जाता है। देन स्ट्रक्चर,
एक बड़ा अहम फ्रेज यहाँ बोला जाता है, इट इज़ द स्टैक ऑफ, ढेर है बेसिकली, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, ऐसी सैक्स जो मेम्ब्रेन में लिपटी होती हैं। हर एक सैक को हम सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी अलॉन्ग विद गोल्जी वेसिकल्स आर कॉल्ड एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो सिस्टर्नी स्टैक्स आर कंटिन्यूसली फॉर्म्ड, मुसलसल बनती रहती हैं। यहाँ से वेसिकल्स ओरिजिनेट होते हैं, इन वेसिकल्स को हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कहते हैं इन जनरल, और इनको हम इन स्पेसिफिक गोल्जी वेसिकल्स और गोल्जी बॉडीज कहते हैं इन स्पेशल। लाइजोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लायोक्सिसोम्स आर स्पेशल गोल्जी बॉडीज। एक चीज़ और, ऐसी आर से जो भी वेसिकल ट्रांसपोर्ट वेसिकल आता है ना, उसको हम ब्लेब भी कहते हैं। ये एक हिडन इंफॉर्मेशन है ब्लेब की, इसको भी ज़रा जहन में रखिएगा। देन इसके फेसेस आते हैं, फॉर्मिंग फेस एंड मैच्योरिंग फेस। तो फॉर्मिंग फेस आउटर फेस है, कनकेवेक्स फेस है, जिसे हम सिस फेस, सिस्टर्नी से, जबकि मैच्योरेशन फेस जो है ये इनर फेस है, कनकेव फेस है, इसे हम ट्रांस फेस भी कहते हैं। यहाँ सिस्टर्नी ब्रेक होते हैं, यहाँ सिस्टर्नी बना करते हैं बेसिकली, इसलिए फॉर्मिंग एंड मैच्योरिंग फेस। देन फंक्शंस, सबसे अहम जो पहला फंक्शन है इसका, कंसर्न विद द सेल सेक्रीशंस, जिनको फिनिशिंग प्रोडक्ट के अंदर एक्सपोर्ट करने से पहले यहाँ पैकिंग की जाएगी, फिनिशिंग की जाएगी, और उसके बाद इसे एक्सपोर्ट करने के लिए बाहर की जाने भेजा जाएगा। फिर यहाँ लिखा गया है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, वो है जी मॉडिफिकेशन। क्या प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट को ऐड करना है और कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाना है, जिस प्रोसेस को हम ग्लाइकोसाइलेशन भी कहते हैं। प्लांट्स में इसे हम डिक्टायोसोम भी कहते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द फ्रैगमोप्लास्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमेला एज वेल एज प्रीकर्सर्स ऑफ द प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के प्रीकर्सर्स भी इसके पास मौजूद होते हैं। तो ये कंसर्न था गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। आप जानते हैं पहले से, ये इसका एक डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन आ गया। थैंक यू।